नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो बेरोजगारों को स्वावलंबी बनाने के लिए कारगर साबित हो रही हैं। इन योजनाओं का फायदा उठाकर न केवल खुद की आजीविका स्थापित होती है बल्कि अन्य नागरिकों को भी रोजगार मिलता है। जिला के गांव मांदी में मालेंद्र एग्रो इंडस्ट्रीज की वर्मी कंपोस्ट इकाई के उद्घाटन अवसर पर उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि खादी ग्राम उद्योग की ओर से PMEGP योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की यूनिट लगाई गई है। फर्टिलाइजर और जहरीले कीटनाशकों के कारण लगातार फसलों में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। ऐसे में यहाँ तैयार वर्मी कंपोस्ट खाद पोषक तत्वों से न केवल भरपूर होगी बल्कि वर्मी कंपोस्ट के द्वारा तैयार फसल पोषक तत्वों से लबरेज होगी। मालेंद्र एग्रो इंडस्ट्रीज से मालेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिखाया गया विजन स्वच्छ भारत अभियान में भी हम अहम योगदान निभाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए केले के पत्ते, गली सड़ी सब्जी और अनाज या अन्य हरा कूड़ा करकट आदि एकत्रित करके खाद बनाएंगे। गौशालाओं का गोबर आदि से वर्मी कंपोस्ट तैयार करेंगे। इस तरह से एक तरफ गंदगी खत्म होगी, वहीं बीमारियां भी नहीं बन पेंगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र में व्यवसाय के नए रास्ते भी खुलेंगे। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। आज मांदी गांव में भालेंद्र जी द्वारा भालेंद्र एग्रो इंडस्ट्री की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वो वर्मिंग कंपोस्ट तैयार करेंगे। PMEGP स्कीम के तहत इन्होंने ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कार्य शुरू किया है एंड आई एम श्योर कि इससे और बहुत सारे लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगा एंड मैं भालेंद्र जी को भी इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सरकार का ये उद्देश्य है कि सभी को रोजगार मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियां हैं जिसके लिए सरकार एग्जाम्स कंडक्ट करिए ऑन रेगुलर बेसिस, इसके अलावा हमारी बहुत सारी वेज एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स हैं एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सबको हम जागरूक कर रहे हैं। इसके तहत भी बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई एंड स्किल इंडिया के तहत स्किलिंग का कार्य भी हमारे जो विभिन्न डिपार्टमेंट वो कर रहे हैं एंड कोई भी अपना जो जिस क्षेत्र में भी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है उनके केसेस को स्पॉन्सर करके बैंक्स द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है। तो युवाओं को यही संदेश है कि जो भी जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो वो स्कीम्स का लाभ जरूर लें। जो भालेंद्र जी वर्मिंग कंपोस्ट का ये जो यूनिट लगाई है, एक ऐसी यूनिट है जिसको सबको एक ऑर्गेनिक खाद पैदा होगी जिससे सभी सब्जियां हैं, फल हैं ये और ऑर्गेनिक मिलेंगे, जहरीले सब्जी उनसे छुटकारा मिलेगा और लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की और यूनिट लगे जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग हो और अच्छी सब्जी और फल। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।